हेलो नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के सिलेबस में डे 156 में है, डे 156 में, और रे ऑप्टिक्स चल रहा है, जिसमें हमने पिछले क्लास में नेत्र की संरचना और वर्किंग के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य बातें कंपटीशन क्वेश्चंस में भी सीधी पूछ ली जाती है, सामान्य जो कंपटीशन क्वेश्चंस होते हैं उनमें आते हैं। जनरल साइंस का भी पार्ट कह सकते हैं इसको, जनरल साइंस में भी यूज होती है, कक्षा 10 में भी इनका काफी यूज है और कक्षा 12 में भी ये दे रखी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये कहीं पर भी पूछ ली जाती है, बाकी जनरल साइंस का पार्ट है ये। तो जनरल साइंस जहां भी यूज होती है कंपटीशन में, वहां इसका यूज होता है। समंजन अकोमोडेशन कहते हैं इसे, अकोमोडेशन। समंजन क्या है? जो हमारी आंख है उसमें पक्षमापी पेशियों में क्रिया होती है, वह क्रिया जिसमें पक्षमापी पेशियों के द्वारा आंख के नेत्र के नाभ्यांतर फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब स्पष्ट बढ़ाए रेटिना पर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। यानी हमारी आंख हर स्थिति में हमें स्पष्ट दिखाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। समंजन भी लिख देते हैं इसको, अकोमोडेशन कहते हैं। तो क्या है ये प्रक्रिया? वह क्रिया जिसमें पक्षमापी पेशियों द्वारा प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता हो, वह क्रिया जिसमें पक्षमापी पेशियों के द्वारा रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने। इसका मान हम निकालेंगे अभी, उसके लिए हमें ये दो तीन बिंदु और पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम बात करेंगे। इसलिए इधर लिख रखा है मैंने समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर निकालेंगे कि आंख की पावर कितनी है। पावर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/f होता है क्षमता जो है वो, उसको डायरेक्टर में लिखते हैं। तो सामान्य आंख की जो स्वस्थ आंख है उसकी कितनी क्षमता है, कितने डायरेक्टर क्षमता है उसकी, उसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले बात करते हैं दो बातें और, निकट बिंदु और दूर बिंदु। फिर बात है दृष्टि अंतराल, फिर बात करेंगे समंजन क्षमता। तो निकट बिंदु क्या है? हमारी आंख के वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम दूरी जहां से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम किसी भी वस्तु कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल आंख के चिपका दें, बिल्कुल पास में ले जाएं तो भी हमें समझ में नहीं आएगा, हमें उसको कुछ दूरी पर रखना पड़ता है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी है फिर सही है? 25 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखना। कितनी है ये दूरी? 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु की परिभाषा क्या है? वह आंख के लिए वह निकटतम दूरी जहां से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो निकट लिखा ही है तो आप देख सकते हैं इसे, निकटतम दूरी जहां से स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बने, और वो दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निकटतम दूरी कितनी है, इसको निकट बिंदु भी कह देते हैं, लिखा ना निकट बिंदु, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और बीमार आंख के लिए, बीमार आंख का मतलब जिसके चश्मे लगे हुए हैं, जिसको स्पष्ट जो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए क्या है ये दूरी कम ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से चश्मे की जरूरत होती है। वो हम बाद में बात करेंगे कि डिजीज में क्या क्या बीमारियां होती है, क्यों होती है, और उनके निवारण किस प्रकार से किया जाता है। फिर बात आती है दूर बिंदु, नेत्र के लिए वह अधिकतम दूरी जहां से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र तो हमारा छोटा सा है, उसके लिए फोकस दूरी भी कम है, लेकिन हम बहुत दूर का भी देख सकते हैं, इसीलिए इतनी की तुलना में जो बहुत दूर का देखते हैं उसको अनंत मान सकते हैं, अनंत लेते हैं उसको, अनंत लेते हैं, ठीक है। अनंत का मतलब ये नहीं होगा 20 किलोमीटर देख लेंगे हम, ऐसा लिए हैं कि दूर दूर तक ये साफ दिख जाए हमारे को। अनंत का मतलब है तुलनात्मक दूरी, बहुत ज्यादा तक हम देख सकते हैं नेत्र की तुलना में। नेत्र तो इतना सा है, उसके त्रिज्या इतनी है, इससे भी कम है, तो इसकी तुलना में हम तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो बहुत दूरी तुलनात्मक देखें तो ये तो बहुत कम है, वो इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम क्या ले सकते हैं? अनंत मान लेते हैं। इसलिए दूर बिंदु सामान्य आंख के लिए कहां पर होता है? अनंत पर होता है, अनंत पर, अनंत पर होता है। ये बंद करो,
दूर बिंदु क्या है, वह अधिकतम दूरी जहां से स्पष्ट दिखाई देता है, ये जलद। फिर आ जाती है दृष्टि अंतराल, दृष्टि अंतराल, दृष्टि अंतराल क्या है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो परास है उसको दृष्टि परास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो ये आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख लें इनको, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु, जब सब जनरल साइंस की बातें ये कि बीच की जो क्षमता है, बिंदु के बीच की क्षमता, उसको रेंज ऑफ विजन कहते हैं, बीच की क्षमता को दृष्टि परास कहते हैं, दृष्टि अंतराल कहते हैं। अब बात करते हैं दृष्टि अंतराल को निकालने की, तो उसके लिए हम पहले बात कर रहे हैं समंजन क्षमता की, अकोमोडेशन पावर। इसके लिए हम क्या करें, दूर बिंदु के लिए सोल्व कर लें फोकस दूरी और क्षमता निकाल लें, और निकट बिंदु के लिए क्षमता निकाल लें। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो क्षमता है, बीच का जो अंतराल है, वही क्या होती है, वही समंजन क्षमता होती है हमारे नेत्र की, कि ये तो न्यूनतम हो गई और ये अधिकतम हो गई, और न्यूनतम और अधिकतम के बीच का ही तो हमें दिखता है, बीच का दिखता है, तो वो बीच की पावर कितनी है वही क्या कहलाती है, अकोमोडेशन पावर कहलाती है। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं, 40 होता है वैसे जनरल साइंस के लिए, बता देता हूँ डायरेक्ट अगर लिखे डायरेक्ट पूछा जाए ये, तो इसका मान कितना होता है, 4 डायरेक्टर होता है, 4 डायरेक्टर। तो ये देखो सारी जनरल बातें हैं कि इसकी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर को होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है, समंजन का मतलब क्या है, और दृष्टि अंतराल क्या है। तो दृष्टि अंतराल अगर डिस्टेंस में लें तो भी निकाल सकते हैं, फोकस दूरी के रूप में भी हम निकाल सकते हैं, और दूसरा समंजन क्षमता निकाल सकते हैं, निकट और दूर बिंदु के बीच की जो दृष्टि परास है वही समंजन क्षमता कहलाती है। अब इसका मान निकालें, पहले निकट बिंदु के लिए, अब देखो निकट बिंदु के लिए डायग्राम बनाता हूं मैं, उससे ज्यादा पता चल जाए, ये हमारा नेत्र है, ये इसके बीच में लेंस है, इसकी डायग्राम हमने पहले पढ़ ली है, लेंस है। वस्तु किधर होगी, आंख के बाहर ही होगी, अंदर थोड़ी होगी, ये रेटिना है, यहां प्रतिबिंब पड़ेगा, तो वस्तु कहां होगी, इधर ही तो होगी, इधर कहीं पर भी हो सकती है, ये निकट बिंदु है, ये वस्तु की दूरी है कितनी, यहां पर पड़ेगा प्रतिबिंब, ये क्या है, वी। हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे। तो अपने पास लेंस सूत्र है इसके लिए, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/f = -1/u + 1/v। एक बात हम पहले बहुत डिटेल से कर चुके हैं, दर्पण के बारे में भी, लेंस के बारे में भी, सभी बारे में, जो थी चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, उसमें मैंने बात की थी, बहुत बार की थी, बहुत डीपली की थी, कि सिंबल का हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते समय भी, डेरिवेशन करते समय भी, कहां से मापनी है दूरियां, जब हमने दर्पण को लिया तो हमने कहा था पी से चलना है, याद आ रहा होगा, पी से चलना है, ध्रुव से चलना है, तो हमें पी से ही चलना है। जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो हम पी को सी के नजदीक मान लेते हैं, लेंस पतला होता है, तो हम कह देते हैं सी से चलना है। चलना कैसे है, दूरियां कैसे लेनी है, प्रकाश किरण की गति की दिशा की दूरियां पॉजिटिव होती हैं, उसके विपरीत होती है तो नेगेटिव होती है। प्रकाश किरण उधर से आती है जिधर से वस्तु रखी गई है, तो वस्तु रखी गई है यहां से, तो यहां से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और फिर यहां रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए, ऐसे जाएगी यहां पर रेटिना पर प्रतिबिंब बना दे, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चलना कहां से है, सी से, सी का है घेरा का लेंस के बीच में, बीच में, तो यहां से चल रहा है। अब यहां से चलने के लिए ये तो हो गया यू वाला पॉइंट, इसके लिए चलेंगे तो हम इधर चलेंगे और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो विपरीत हो गए ना। और एक बात हमने की भी थी, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यू हमेशा माइनस में होता है, तो यहां से यू का मान कितना गया, -25 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करने के लिए दो बातें तो चाहिए, वी भी चाहिए, वी की बात करते हैं। सामान्य स्थिति में नॉर्मल आंख जो है उसके लिए क्या रहता है, रेटिना की जो दूरी होती है या पर्दे से इसके बीच की जो दूरी होती है सभी की आंख के लिए लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर होती है,
क्योंकि ये तो आंख का प्राकृतिक लेंस है, इसको तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते भाई, इसको इधर लगा दे, आगे कर दे, पीछे कर दे, तो इसकी तो डिस्टेंस क्या एपिक्स है, और ये डिस्टेंस नियर अबाउट कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पे बनेगा, रेटिना की जगह निश्चित है, इसलिए दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी आंख के लिए फिक्स हो गई, कितनी दूरी पर बनेगा 2.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसका मतलब और विकोण से आएगा ये, इधर जाएंगे हम प्लस में जाएंगे, तो प्लस का कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका मान हम रख के इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसमें रख दो इस इक्वेशन में, देन 1/f = -1/-25 -+ हो गया, +1/2.5 आएंगे यहां से, आ गया 10 हो गया, एलसीएम ले लो कितना है ये, माइनस माइनस ये हो गया 25, तो कितना आ गया 1+10 बराबर कितना हो गया 11/25 सेंटीमीटर में चल रहा है अभी, हमने बदला नहीं है और बदलने की जरूरत भी नहीं है यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं पी, पी बराबर क्या होता है 100/f का मान रखेंगे, तो f का मान इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा यहां से, ये तो क्या है 1/f आया ना, तो ये 1/f ही रख दो, 100/f है तो 100 × 1/f हो गया ना, 1/f ऐसा उठा के रख दो, तो ये रख दें 100 × 11/25 कट गए 4 से, कितना आ गया। अगर आपको अलग से ये बात पूछी जाए निकट बिंदु के लिए क्षमता कितनी है, निकट बिंदु की परास कितनी है 44 डायरेक्टर है, आगे बात समझ लें 44 डायरेक्टर। अब दूर बिंदु के लिए समंजन क्षमता क्या है, इन दोनों के बीच की पावर है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो क्षमता है वो 44 डायरेक्टर है, सॉरी वो 4 डायरेक्टर है, और वही समंजन क्षमता कहलाती है। 44 तो किसके लिए, निकट बिंदु के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर फार पॉइंट, दूर बिंदु के लिए। अब दूर बिंदु के लिए वस्तु कहां है, दूर देखते हैं, बहुत दूर देख रहे हैं, तो वस्तु कहां है, दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पे, तो वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो यहां से u का मान तो क्या आ गया माइनस अनंत, v तो रेटिना तो वही है कितना 2.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, f कह दो चाहे 1/f कह दो, निकाल f निकालेंगे तो फिर उल्टा करेंगे भाग देंगे, 1/f निकाल लो चाहे, तो वही 1/f = -1/u की जगह माइनस अनंत +1/v 2.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/अनंत क्या होता है 0, ये तो क्या 0 पॉइंट आएंगे कितना आया 10/25, छोड़ दे इसको यही क्योंकि हमें तो क्षमता चाहिए, p = क्या होता है 100/f, यानी 100 × 1/f है ये, 1/f का मान ऊपर है, तो ये रख देंगे 100 × 10/25, 4 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 40 डायरेक्टर, अंदर निकाल ही लेंगे तो 44 − 40, ठीक है। समंजन क्षमता आ गई, अब समंजन क्षमता अकोमोडेशन पावर जो है वो आ गई, क्या आ गई, दूर बिंदु के लिए और निकट बिंदु के लिए अंतर ले लो, कितना आ गया 4 डायरेक्टर। तो सामान्य आंख के लिए जो स्वस्थ आंख है उसकी जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता मांसपेशियों को संकुचित करने और फैलाने की क्षमता, जिसके लिए प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता हो, वो समंजन क्षमता होती है, और उसका मान होता है 4 डायरेक्टर होता है। तो इसके अंदर देखो बहुत सी, ये सारा ये जो बात हम कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में तो ये बातें आ चुकी है, पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारी जनरल साइंस की बातें हैं, हमें हर टाइम ही पता होनी चाहिए, आफ्टर 12th भी ये बहुत काम आने वाली है, इसलिए इनको ध्यान से आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें, बाकी याद तो अपने आप ही रह जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लें, रिवाइज कर देने भी, अब चैप्टर के हम बिल्कुल कंप्लीट होने के नजदीक आ चुके हैं, सूक्ष्मदर्शी वाला पार्ट आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, इसके बाद हम थोड़ा डिजीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम पहुंच जाएंगे सूक्ष्मदर्शी पे, और सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बड़े क्वेश्चन के लिए, तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएगा, हम दो पार्ट पहले हमने कर लिए, महत्वपूर्ण बताया था वो प्रिज्म बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और एक दो पार्ट उससे पहले हमने किए थे लेंस सूत्र वगैरह, वो इम्पोर्टेंट है।
अब जो आएगा आगे वो सूक्ष्मदर्शी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है, उसमें से क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें से पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में हम पिछले सालों के आए हुए सारे पेपर डिस्कस करेंगे, ज्यादातर 7-8-10 साल के, लगभग 8 साल के तो मेरे पास है शायद, उन सब के अपने करेंगे पूरा डिस्कशन। तो आप इस पूरे चैप्टर को पूरा समझ लें, पीछे का जो नहीं पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर ले जहां से क्लास शुरू हुई है, कोई नई भी देख रहे हैं तो भी आप जहां से क्लास शुरू हुई है देख लें, इसमें 8-10-15 क्लासे हो गई, ज्यादा ही होगी 15-11 साल, तो उनको अच्छी तरह से कंटिन्यू पूरा देख लें समझ लें, फिर कोई दिक्कत आए तो बता दें। इस जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब एक प्रॉब्लम क्लास हम रखेंगे, प्रॉब्लम क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए पूरा पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम है वो बता दें, प्रॉब्लम क्लास रख ली जाएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम क्लियर कर दी जाएगी। दूसरी बात, इसके बाद में हम करेंगे इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस, उनको जो अच्छी तरह से कर लेगा डेफिनेटली उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और उसके लिए पहले आपको पूरा चैप्टर समझना होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके लिए आप समझ लें और रिटर्न प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूर कर लें, बाकी बात फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इसको पढ़ लें और रिवाइज करें।